आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स मिनी मसाला समोसा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शाही अंदाज में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल समोसे, मिनी समोसे। उसमें हम आलू का यूज नहीं करेंगे, वो सीक्रेट है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे मिनी समोसे। ड्राई फ्रूट्स मसाला समोसा बनाने के लिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च, सौंफ, अमचूर पाउडर, 2 चम्मच चीनी और काला नमक, धनिया पाउडर, ड्राई कोकोनट, पिस्ता, जीरा, काली मिर्च, काजू, किशमिश, तिल भुना हुआ, मैदा, नींबू वाली आलू भुजिया और वॉलनट। हमें साथ ही साथ मिक्सर में ग्राइंड करना है तिल को और आलू भुजिया जाएगी, नींबू वाली, काली मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे वॉलनट, अमचूर पाउडर, काला नमक, टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच चीनी डालेंगे। तिल, आलू भुजिया और काली मिर्च मसालों के साथ इसको ग्राइंड करना है। आइए कर लेते हैं। हमने आलू भुजिया और तिल को ग्राइंड कर लिया है। हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, बिल्कुल ऐसा ही। आइए समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। आइए काजू काट लेते हैं बारीक बारीक, वॉलनट, थोड़ा पिस्ता काटेंगे, और थोड़ा सा जाएगा सूखा हुआ नारियल, कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा किशमिश डालेंगे, सौंफ को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे डालने से पहले। सौंफ के साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा जीरा, ये बारीक मसाले होते हैं इसलिए बहुत ही जल्दी रोस्ट हो चुके हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा धनिया पाउडर, अब ऐड कर लेंगे इसमें सौंफ, धनिया पाउडर, जीरा। आइए सभी मसालों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार है। मैदा का आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए मोइन। आइए मोइन गरम कर लेते हैं। हमने घी डाला है इसमें देसी, मैदा लेंगे, मैदे में डालेंगे गरम देसी घी, इसको मिक्स कर लेंगे। हमने मैदे में घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये अच्छे से बाइंड हो चुका है। आइए इसमें पानी ऐड करते हैं। मिनी समोसा बनाने के लिए हमें टाइट डो बनाना है। थोड़ा हम ऐड करेंगे अजवाइन, तो भी अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का हल्का पानी के छींटे डालकर हमें को डो फॉर्म में तैयार करना है।
लगभग हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। आइए इसको रेस्ट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ढककर। हमने मैदे का डो तैयार कर लिया है, आइए इसको रेस्ट के लिए रखते हैं 5 से 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे। हमने मैदे का डो बनाया था और हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। 10 मिनट हो चुके हैं, आइए स्टार्ट करते हैं मिनी समोसा बनाना। हमें एक छोटी लोई लेनी है, ये देखें अब इसको बेलना है। हमें इसको थोड़ा लंबा बेलना है। हमने एक ओवल शेप की रोटी बेल ली है, अब इसमें बीच में कट लगाएंगे। हमने दो पार्ट कर दिए हैं, ये दिखाते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए हमें सबसे पहले ऐसे करना है और यहाँ पर हल्का पानी लगाना है और बहुत ही इजी है। पानी लगाने के बाद हमें इस साइड से फोल्ड करना है और हल्का दबाना है। देखिए कौन बन चुका है, हमने पानी लगाकर इसको बंद कर लिया है। हमने कॉर्न बना लिया है, आइए इसमें स्टफ करते हैं। स्टफिंग करते समय जो भी हमें मसाला भरना है वो एक्स्ट्रा ना भरें। इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर से प्रेस करते हैं, हल्का सा पानी लगाएंगे को साइड से एक प्लेट डालेंगे। ये देखिए बड़ा ही इजी है और इसको बंद करेंगे। देखिए मिनी समोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही हमें सारे समोसे बनाने हैं। हमने कॉर्न बना लिए हैं, ये देखिए एक और कॉर्न। अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। हल्का सा प्रेस करके दबाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना भरिए। अब इसमें पानी लगाएंगे चारों तरफ। और इसको साइड से प्लेट डालेंगे, ये देखिए, और इसको बंद करेंगे। हमने अपने सारे समोसों को स्टफ कर लिए है, ये देखिए। और ध्यान रखिएगा जब भी आप समोसे में स्टफिंग भरे तो हमें ढककर रखना है। अगर आप ढककर नहीं रखेंगे तो ये सूख जाएंगे और ये टूट भी सकते हैं फ्राई करते समय, इसलिए ध्यान रखिएगा हमें फ्राई करने से पहले इनको ढकना है। आइए इनको फ्राई करने स्टार्ट करते हैं। मसाला समोसा फ्राई करने के लिए हमें भारी तले की कढ़ाई लेनी है। आइए तलना स्टार्ट करते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। आइए डीप फ्राई करेंगे, एक एक करके डालिएगा।
धीमी धीमी गैस पर हमारे मसाला समोसा फ्राई हो रहे हैं। आइए इनको दूसरी साइड से पलट लेंगे। समोसे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस थोड़ा ही समय और लगेगा, समोसे बनकर बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। मिनी समोसा बनकर बिल्कुल तैयार हैं, आइए इनको निकाल लेते हैं। आइए अब दूसरा बैच को फ्राई कर लेंगे। मिनी ड्राई समोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितने यमी और टेस्टी बने हैं, खस्ता और करारे। एक बार बनाएं और महीने भर खाएं मिनी समोसा। यमी और तीखे और चटपटे स्पाइसी बने हैं। देखिए कितने क्रंची बने हैं समोसे और मसाला, देखिए कितने यमी और टेस्टी है। मसाला तीखा और चटपटा स्पाइसी। समोसे भाई बन गए हैं, अब आप होली पर खाएं या फिर स्टोर कर महीने भर रखें। आइए इनको स्टोर कर लेते हैं। हमने इनको स्टोर कर लिया है और आप इनको एक महीने के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपको मिनी समोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मिनी समोसे की रेसिपी कैसी लगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं शाही अंदाज में। बाय फ्रेंड्स।